बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल आयशा हेल्थ विद ब्यूटी। तो दोस्तों कैसे हैं आप, कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। आज मैं आपको हैंड्स वाइटनिंग फार्मूला बताऊंगी। इसके इस्तेमाल से ना सिर्फ आपके हाथ गोरे होंगे बल्कि नरम मुलायम और शादाब भी होंगे। बहुत ही इफेक्टिव फार्मूला है, बस यूं समझ लें कि मेरी तरफ से ये आपको ईद का गिफ्ट है। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप पहले से ही मेरे सब्सक्राइबर हैं तो दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ। तो सबसे पहले जो चीज आपने लेनी है वो है पियर सोप। कोई सा भी पियर सोप आप ले सकते हैं, ग्रीन या गोल्डन, जो भी आपको मिल जाए। इसके छोटे से पीस को आपने कद्दूकश कर लेना है। ये देखिए इतना पीस बहुत होगा। अब आपने इसमें जो चीज डालनी है वो है रोज वाटर, यानी के अर्के गुलाब। कोई सी भी कंपनी का आप ये ले सकते हैं। 2 चम्मच के करीब आप ये डालेंगे। अब आपने इसे 2 से 3 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। 2 से 3 घंटे में ये थोड़ा पिघल जाएगा। अब आपने जो चीज इसमें डालनी है वो है एलोवेरा जेल। रेडीमेड एलोवेरा जेल आप डालेंगे, फ्रेश पत्ते से निकला हुआ आप यूज नहीं करेंगे। बस 1 चम्मच आप ये डालेंगे। अब जो चीज आपने इसमें डालनी है वो है व्हाइटनिंग लोशन। ये भी आप कोई सी भी कंपनी का ले सकते हैं, जो भी आप घर में इस्तेमाल करते हो। तकरीबन 2 चम्मच आपने इसके डालने हैं। अब दोबारा इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करेंगे। अगर किसी का ये पेस्ट पतला हो जाए तो वो इसमें व्हाइटनिंग लोशन और भी डाल सकता है। ये देखिए ये मिक्स हो गया है। आपने इसे अपने हाथों पर लगाना है, और लगाकर इसे हल्के खुश्क होने के लिए छोड़ देना है। जब हल्का खुश्क हो जाए तो इस पर 1 लेयर और लगाएं, और 15 मिनट के लिए इसे दोबारा सूखने के लिए छोड़ दें। फिर सादे पानी से हाथों को धो लें। एक ही बार में आप अपने हाथों पर वाजे फर्क देखेंगे। मैंने इसमें कोई भी हार्मफुल चीज नहीं डाली है जो आपकी जिल्द को नुकसान दे, तो आप बिना डरे इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे भरपूर फायदा भी उठा सकते हैं। इसे आप हमेशा फ्रेश बनाकर ही लगाएंगे, और हफ्ते में 1 से 2 बार भी कर लेंगे तो बहुत होगा। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी आज की वीडियो, अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलें। चलिए अब इजाजत दें, इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।